बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 9 कवर करने वाले हैं जनरल स्टडीज का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज को साइड पे रखते हुए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू नो द ड्रिल, गो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती जाएं जो कि आपको CSS के सब्जेक्ट्स कवर करने में हेल्प करेंगी, और अगर आप चाहते हैं कि अगर हम नए कोर्सेज स्टार्ट करें तो भी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 6, दैट इज स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की बात करें और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनका क्या ख्याल था, उनका क्या पर्सपेक्टिव था। तो इट्स अ वेरी फेमस कोट और आप सबको ही पता होगा, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का कोट है कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस देयर वुमेन आर साइड बाय साइड विद देम। अच्छा, अब इसके साथ इसके जो अगला पार्ट है वो ये है कि इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के औरतों को आप चार दीवारी के अंदर बंद कर दें और उनको उनकी कंप्लीट पोटेंशियल जो है उसको जो है रीच ना करने दी जाए। ठीक है, ये तो हमारे बानी की सोच थी। अब करंटली पाकिस्तान का क्या स्टेटस है, अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की बात करते हैं जो 2017 में पब्लिश हुई ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में। उसके अंदर पाकिस्तान को रैंक किया गया 143rd आउट ऑफ 144 कंट्रीज। आप सोचें, ये वर्स्ट है साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया में किसी और कंट्री को इतनी रोल इतनी लो रैंकिंग जो है वो नहीं दी गई सवाए पाकिस्तान के। और इट इज़ और जो जेंडर गैप है अगर उसके इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ अ वुपिंग 34%। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है दैट वो है UNDP की, और उसके अंदर पाकिस्तान को रैंक किया गया 135 आउट ऑफ 174 कंट्रीज, जिसके अंदर बात की थी जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो यहाँ पे भी हम काफ़ी नीचे हैं। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आर्टिकल 34 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो रिक्वायर करता है कि ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं जिसके थ्रू फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हर स्फीयर में, हर स्फीयर ऑफ नेशनल लाइफ में उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो गई, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के व्यू की भी बात हो गई, और जो अभी जनरल रिपोर्ट्स हैं उनकी भी बात हो गई। ये तो जनरल ओवरव्यू हो गया। अब हम ज़रा थोड़ी डेप्थ में जाते हैं कि स्टेटस ऑफ वुमेन एक्चुअल में पाकिस्तान में है क्या। तो इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी वुमेन की आखिर सेल्फ इस्टीम लो क्यों होती है। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब बच्ची पैदा होती है तभी उसको ये बावर करा दिया जाता है दैट यू आर नॉट प्रेफर्ड, हम तुम्हें चाहते नहीं कि वी वॉन्टेड अ बॉय। हमेशा बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है लड़कियों के ऊपर, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये समझा जाता है कि लड़की जो है वो एक्चुअल में वीक है और वो हमारे ऊपर खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी बन गई है। अब ये बच्ची पैदा हो गई है, अब इसको पढ़ाना पड़ेगा, फिर लेटर ऑन इसकी शादी पर खर्चा करना पड़ेगा, इसको जहेज भी देना पड़ेगा। जबकि बॉयज़ के बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है और उनके ऊपर दिल खोल के खर्च किया जाता है और किसी किस्म की कोई तंगी दिल में नहीं आती। हालांकि आजकल इट इज़ वेरी एविडेंट इन द सोसाइटी, आप देखेंगे अक्सर जो बेटे हैं उनसे ज़्यादा बढ़कर बेटियां माँ बाप की खिदमत करती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं अगर मौका दिया जाए तो, ठीक है। और सेकेंडली, औरतों को कोई हक नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कुछ भी पूछें। इवन उनका जो जहेज होता है वो बहुत बड़ा बोझ समझा जाता है, और जो इस्लाम ने भी हमें विरासत का हक दिया है वो भी काफ़ी जगहों पर दिया ही नहीं जाता, बल्कि उससे बचने के लिए, ये आपने सुना होगा कि कुरान से शादी करा दी जाए, ये जो वडेरा सिस्टम है इसके अंदर ये बहुत कॉमन है। एंड उसके बाद क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस, आप एक ही घर में रह रहे हैं, बेटा और बेटी दोनों, आपके बेशक आपका भाई जो है वो आपके साथ सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम स्कूल में आप लोग जा रहे हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे है। योर ब्रदर कैन गो आउट, ही कैन प्ले वेन एवर ही वॉन्ट्स एंड ही कैन गो टू बाई थिंग्स वट एवर ही वॉन्ट्स, लेकिन आप जो हैं आपने घर में बर्तन भी धोने हैं, घर की सफाई का भी ख्याल करना है, मम्मा की भी हेल्प करनी है, पापा की भी हेल्प करनी है। तो यू नो लड़कियों के ऊपर हमेशा ज़्यादा बोझ डाला जाता है कि तुम घर के लिए जिम्मेदार हो। फिर अगर आप फर्दर फ्यूचर मतलब चले, अब आप आपके घर से निकल कर शोहर के घर चले गए, खुदा न खास्ता अगर शोहर ने तलाक दे दी या बेवगी आप मतलब बेवा हो गई, विडोहुड में चले गई, तो औरतों के पास कोई राइट्स ही नहीं है। फिर जो ससुराली हैं, आपने सुना होगा अक्सर जो लड़कियां होती हैं जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग मायका नहीं होता, उनको जहेज के नाम पे या इस तरह टॉर्चर करके जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया ससुराल ने, ये केसेस आप लोगों ने सुने होंगे, राइट।
फिर जो लॉज ऑफ वुमेन सेफ्टी और इंटीग्रिटी है वो भी मर्दों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इन तमाम वजूहात के बिना पर पाकिस्तानी औरतों की सेल्फ एस्टीम शुरू से ही लो होती है। अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्थ इन पाकिस्तान के बारे में। इसमें भी पहले हम एक आर्टिकल 38 जो है उसका ए और डी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट शेल सिक्योर द वेल बींग ऑफ द पीपल, ठीक है। और इसके अंदर बात क्या की जा रही है कि स्टेट को सिक्योर करनी होगी जो लोगों की वेलबींग है, ठीक है, और उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको वो प्रोवाइड की जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स कास्ट एंड ग्रीड, यानी मर्द हो या औरत हो उस दोनों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने उठानी है, दोनों के इक्वल राइट्स हैं टू लाइफ, ठीक है। जो अपने लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते उसको वेलबींग सिक्योर करना गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 25 देखें तो उसमें क्लियरली स्टेटेड है कि हर किसी को, आई रिपीट, नॉट अ मैन, ठीक है, बल्कि हर किसी को, एवरी वन हैज द राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि एडिक्वेट हो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी वेलबींग के लिए और उसकी फैमिली के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्लोथिंग, हाउसिंग, यू नो योर फूड, हर चीज उसके अंदर आप अकोमोडेट कर लें। वो लोग जो कि अपना लाइवलीहुड कंट्रोल मतलब अर्न नहीं कर सकते, जो ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से जो आउट ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो आपका विडोहुड हो गया है या वो आपकी कोई सिकनेस है या डिसेबिलिटी है पैदाइशी या जो भी है, आपको आपका एक राइट है ऐसी लाइफ की तरफ, ठीक है। फिर अब अगर हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ की अगर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ इज़ कम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आप किसी बंदे की हेल्थ को अच्छा और बुरा कह सकते हैं। औरतों की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो औरतों की हेल्थ है वो रिलेटेड है टू द हेल्थ ऑफ द फैमिली। अगर एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी माइंड की औरत है तो शी विल ब्रिंग अप हर फैमिली, शी विल स्टीयर हर फैमिली टूवर्ड्स बेटरमेंट, ठीक है। और अगर आपकी औरत जो है वो साइकोलॉजिकली इल है या उसकी फिजिकली कोई बीमारी है या वो सोशली इतनी अच्छी नहीं है तो इन सब चीज़ों का क्या जो है असर होगा, इसका असर उसके बच्चों पे होगा जो कि फ्यूचर होते हैं किसी भी नेशन का। इसलिए औरत की हेल्थ जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप बात करें मोर्टैलिटी रेट की तो पाकिस्तान थर्ड वर्स्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मोर्टैलिटी रेट इन टाइम्स ऑफ डिलीवरीज। इसके अलावा जो हमारे पास डॉक्टर यास्मीन रशीद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो गायनी डिपार्टमेंट की हेड रह चुकी हैं एंड अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने पब्लिश किया है कि 55% ऑफ वुमेन के पास कोई एक्सेस ही नहीं है ट्रेन स्टाफ की या लेडी हेल्थ विजिटर्स की, ठीक है, और वो घर के अंदर जो है अपने बच्चे पैदा कर रही हैं। अब इससे क्या होता है कि आपके जो ट्राइबल और रूरल एरियाज हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि घर में बच्चे पैदा किए जाए, इवन वो फीमेल डॉक्टर्स के पास भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जाते हैं अपनी बीवियों को या अपनी बेटियों को। और इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो अनडायग्नोस्ड रह जाती हैं, जिसका सारा का सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है औरत को अपनी रिमेंडर की लाइफ के लिए। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो चीफ कॉज है कॉम्प्लिकेशंस का जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं। इनमें कौन कौन सी आती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज आ जाती हैं, अनसेफ अबॉर्शन आ जाता है, लैक ऑफ एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग है, फिर इसके साथ साथ ही कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, लैक ऑफ फॉलो अप केयर भी है और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हम इसके अंदर बात कर सकते हैं उनकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वाइड स्प्रेड और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन देखा जा सकता है पाकिस्तानी बच्चों के अंदर, स्पेशली लड़कियों के अंदर, क्योंकि एक सोशल और जो है कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है बच्चों के खिलाफ। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज जो भी घर के अंदर होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करके प्रोवाइड किए जाते हैं बेटी और बेटे के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आई सॉ एन एड, ये इंडियन एड है बेसिकली, उसके अंदर ये था कि एक बच्चा था घर के अंदर और दूध का एक ही ग्लास था और माँ ने क्या किया कि बेटे को दे दिया और बेटी जो थी वो उस दूध के ग्लास को देख रही थी, तो भाई ने क्या किया, ही टुक अनदर ग्लास और उसने वो ग्लास जो मिल्क का था उसको हाफ ऑफ किया और दोनों बहन भाई ने पिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि आप इस बायसनेस को आप खत्म करें, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, दुनिया कहां से कहां जा रही है और अभी तक आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जितना लड़का ह्यूमन है उतना ही लड़की ही भी ह्यूमन है, जितना लड़के का हक है उतना ही लड़की का भी हक है, दोनों आपके बेटे हैं, दोनों आपके ही बच्चे हैं, राइट। तो
इस तरह आप सोशल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स के अंदर. इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन जो है दे लैक द पावर टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, यानी कि उनको कितने बच्चे चाहिए, उनको क्या जॉब करनी है, उनको क्या पढ़ना है, उनको कैसे बोलना है, उनको कैसे चलना है, इस सब का फैसला करने वाली वो खुद नहीं होती. तो इसका भी आपकी साइकोलॉजी पर एक खास फर्क पड़ता है. सेकेंडली जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, और साथ ही साथ जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, जैसे कि कारोकारी हो गया, वानी हो गया, इसका भी उर्दू के मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है. एक लार्ज स्टडी कंडक्ट हुई जिना पोस्ट ग्रेजुएट एक लार्ज स्टडी कंडक्ट हुई जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर, जिसमें अनैजा नयाज की रिपोर्ट है वुमेन मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें रिकॉर्ड किया गया कि ट्वाइस एज मैनी एज मैन वुमेन जो हैं वो जो साइकेट्रिक केयर है उसको चाहती हैं. इसके अलावा अगर आप खाली सन की बात करें तो पर 1000 लाइफ बर्थ्स 8 to 6 वुमेन जो हैं वो मर जाती हैं. और जो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स है वो तो एक टैबू कंसिडर किया जाता है, एक ऐसी चीज़ जो हया और नामूस के नाम के ऊपर आप रख के अंदर हाइड कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दैट वुड बी, ये तो पूरा हेल्थ का एक ओवरव्यू हमने देख दिया. अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एजुकेशन. तो स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एजुकेशन शुरू करने से पहले जॉर्ज हर्बर्ट ने कहा था कि अ मदर इज वर्थ 100 स्कूल मैसेस, ठीक है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही सीखता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है. और इस बात के अगर हम फर्दर देखें तो द स्टेट शेल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 16 ईयर्स. ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25A. और आप देख सकते हैं कि आजकल कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत कम स्कूल जा रहे हैं. तो आपको फ्री एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी करनी पड़ेगी, खासकर लड़कियों के लिए, ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल वे जो है उसको यूज़ कर सकें, चूज़ कर सकें टू अर्न. इसके अलावा लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है दैट इज स्टैग्नेंट ओवर 58%, जिसके अंदर आपके जो मेल लिटरेट हैं दैट इज 70% और फीमेल परसेंटेज जो है दैट इज अ मेयर 48%. नो, डोंट कंसिडर कि ये लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि इतने ग्रेजुएट्स हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अपने नाम लिख सकते हैं. देन अब पेट्रियार्कल वैल्यूज जो हैं वो इतनी डीपली एम्बेडेड हैं, इतनी डीपली एनरूटेड हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपको हमेशा बेटा प्रेफर करते हैं बेटी की जगह. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बेटी जो है इवन तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है और आपका जो बेटा है वो एक एवरेज स्कोरर रहा है थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन आप क्या यू वुड चूज कि यू वुड सेंड योर सन बाहर जाके वो बेहतरीन जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करे एंड वापस आए और आपका सहारा बने. तो ये एक टैबू है हमारी सोसाइटी का जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो गया. फिर नंबर ऑफ वुमेन जो स्कूल अटेंड करती हैं वो रूरल वर्सेस अर्बन एरिया ड्रेस्टिकली डिफर कर रहा है. अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा और जो बच्चियाँ हैं ऑब्वियसली वो जाती हैं स्कूल में, बल्कि और जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ही कम. और जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है एक्सेसिव एजुकेशन में, वो ये है कि सेपरेट स्कूल नहीं है, ठीक है, कंजर्वेटिव माइंड है तो सेपरेट स्कूल चाहिए वो नहीं है. फिर फियर है एक्सट्रीमिस्ट का, जैसे KPK के अंदर भी हम मलाला का भी जिक्र करेंगे. और इसी तरह फियर ऑफ लूजिंग पावर, यानी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है ना, फ्यूडल सिस्टम है, तो इसमें अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो हमारी पावर क्वेश्चन करेंगी, ठीक है, तो ये भी बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है. इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल और किलिंग हुई है उसने स्वेयरली हार्म किया है पाकिस्तान की एजुकेशन को, स्पेशली वुमेन एजुकेशन को. अब अगर हम मलाला यूसुफ साई की करें तो शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड और वो एक एक्टिविस्ट थी और ब्लॉगर थी एंड शी वॉज शॉट इन द हेड एंड नेक बाय तालिबान, ठीक है, 9 अक्टूबर 2012 को. और अगस्त 2018 में जो है 10 गर्ल स्कूल को सेट एब्लेज कर दिया था टेररिस्ट ने. इसी तरह अगर हम मौका दें अपनी लड़की को पढ़ने का तो वो कहाँ पहुँच जाती हैं इसका अंदाज़ा हम आरफा से लगा सकते हैं. आरफा इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू एवर ऑब्टेन दिस सर्टिफिकेशन. वो सिर्फ 9 साल की थी जब उन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन उनको मिली थी एंड शी गॉट द चांस टू फ्लाई टू USA एंड मीट बिल गेट्स. और उनकी ड्रीम ये थी कि वो एक दिन MIT या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ें. अब हम बात करेंगे वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में. तो वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, या
वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई 2017 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक लार्ज हिडन वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हिडन वर्कर्स काम कर रहे हैं, और ये हैं कौन, बेसिकली आपके हाउस हेल्पर्स हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर आपके घर में कोई बच्चा काम करता है या इस तरह के लोग, ठीक है। और ये जो होते हैं इनको पे कौन कर रहा है, आपका मिडिल पर्सन कर रहा है, जैसे कि आपके अम्मी अबू या कोई भी, एंड दीज पीपल आर क्रॉनिकली एंड सिग्निफिकेंटली अंडरपेड, ठीक है। इसी तरह एक और रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 1 out of 5 वुमेन इन पाकिस्तान जो है वो पार्ट ऑफ लेबर फोर्स है। ये बहुत कम रेशियो है, बाकी सब साउथ एशियन कंट्रीज में ज़्यादा जो है वो औरतें जो है वो लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। इसी तरह महबूबुल हक की डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2017 में, उसके अकॉर्डिंग औरतें जो हैं उनको ऑन एवरेज 38.6% लेस पे किया जाता है, वो लेस अर्न करती हैं एज कम्पेयर टू मैन। ऐसा इसलिए है कि चाहे वो बेशक सेम एजुकेशन लेवल पे हैं, सेम जॉब कर रही हैं, लेकिन ये के जो पे गैप है ये परजस्ट ही किया जा रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह की। इसके अलावा जो औरतों को है वो सेपरेट लो पेड और लो स्टेटस जॉब दी जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर आपको ज़्यादा औरतें नज़र आएंगी क्योंकि उनका ड्यूअल रोल होता है, उनको घर में भी काम करने हैं, बाहर भी जाके काम करने हैं, डबल जिम्मेदारी है, तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी जो है खुले दिमाग से उसको नहीं ले सकती। इस वजह से वो क्या करती हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली, कुछ ऐसा कर लिया अपने घर को सपोर्ट करने के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो औरतों का एज कम्पेयर टू मैन कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, और औरतें जो हैं वो अब जो हैं डिपेंडेंट रही हैं मर्दों पर हमेशा से। अब वुमेन जो हैं वो सिर्फ 10% मैनेजेरियल फोर्स के अंदर हैं। इसके अलावा आपकी वर्ल्ड बैंक पॉलिसी पेपर है एंड ऑन द रोड ऑन एनहांसमेंट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके अंदर कहा जाता है कि आप औरतों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो उनकी एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो फाइनेंशियली उनकी हेल्थ हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये ना सिर्फ आपकी एक बेहतरीन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है बल्कि ये सोशल जस्टिस भी है। एंड पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल एक्ट 2010 पास हुआ है, जिसके अंदर ऑफिस या वर्क प्लेस के अंदर जो भी हरासमेंट फेस करेगी बंदी, वो जो है वो FIR दर्ज करा सकती है। सो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करते हैं, जिसका पार्ट 1 ये डिक्लेयर करता है कि तमाम सिटीजंस जो हैं वो लॉ के बिफोर इक्वल हैं और वो एंटाइटल्ड हैं टू इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ। सेकेंड पार्ट जो है वो इसका कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन। जबकि जो थर्ड पार्ट है वो स्टेट को अलाउ करता है कि वो स्पेशल लॉज और रूल्स जो है उनको बना सकते हैं ऑन स्पेसिफिक इश्यूज जो कि औरतें और बच्चे फेस कर रहे हैं और जिनको इग्नोर किया जाता है। आर्टिकल 34 जैसे कि हम शुरू में भी कह चुके हैं कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को इंश्योर करता है। इसी तरह 18th अमेंडमेंट जो है उससे ज़्यादातर जो सोशल इशूज़ हैं उनको डिवॉल्व कर दिया है प्रोविंसेस को, और 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो रिसोर्सेज हैं तो प्रोविंसेस वो बढ़ गई हैं और अब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेशनल लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात करें तो कुछ जो वुमेन प्रो वुमेन लॉज हैं और अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करें, आप इनको राइट डाउन कर लें। द एसेट कंट्रोल एंड एसेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011, प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011, क्रिमिनल लॉ ऑफेंस एक्ट 2016, क्रिमिनल लॉ ऑफेंसेस इन द नेम ऑफ प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, हिंदू मैरिज एक्ट 2017। तो ये तो कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद हमारे पास बेसिकली हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं आजकल औरतों को। तो आपको जो मेन मसले हैं जो आप लिख सकते हैं अपने जेंडर सीरीज में, कहीं भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी आप राइट डाउन कर लें, कहीं नोट कर लें, मैंने आप लोगों के लिए नोट किए थे। वट्टा सट्टा, डाउरी अब्यूज, मैरिज विद कुरान, डिजायर फॉर द मेल चाइल्ड, ऑनर किलिंग, एसिड थ्रोइंग, ट्रैफिकिंग, ट्राइबल ट्रेडिशंस, renunciation from female education, sexual harassment, dominance of male over female, feudal mindset. इनके remedies क्या होंगे? remedies ये हैं कि promotion of equality की जाए, true spirit of religion जो है उसको preach किया जाए, awareness चलाई जाए, ठीक है, campaign regarding female education, जैसे India में अब ads वगैरह चल रहे हैं इस तरह कुछ हमारे जब भी किया गया जेंडर इक्वालिटी के लिए, और वुमेन प्रोटेक्शन जो है मैक्सिमाइज की जाए लॉ के थ्रू, और सोशल काउंसलिंग पीपल की जाए। तो ये तो स्टेटस ऑफ वुमेन है, साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कस कर ली है, कुछ रेमेडीज जिनको आप फर्दर लिख सकते हैं डिटेल के अंदर। तो ये हमारा लेक्चर कम्प्लीट होता है, थैंक यू वेरी मच, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।